हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए ट्यूटोरियल की क्लास अटेंड करेंगे और जिसमें कि आपको ओएस के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि आपको हम बता दें कि ओएस जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम को चलाता है। एक प्रकार से ये यूजर और सिस्टम हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और यदि हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है तो ही हमारा सिस्टम बूट करता है और हमारे सामने इस तरह की एक डेस्कटॉप स्क्रीन खुल के आती है। जब भी ओएस चालू होता है तो हमारे सामने जो फर्स्ट स्क्रीन आती है, इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं, जो आप इस प्रोजेक्शन मेन्यू पर देख सकते हैं, मॉनिटर देख सकते हैं। एक डेस्कटॉप स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है और ये और इसमें जो ये आपके अलग अलग फोल्डर नुमा दिख रहे हैं, ये आपके इसमें कुछ फोल्डर हैं और कुछ आपके आइकन हैं जिससे हम किसी अन्य एप्लीकेशन को डायरेक्टली यहाँ से खोल सकते हैं। डेस्कटॉप फर्स्टली हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है सिस्टम के अंदर काम करने के लिए। हम जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि डेस्कटॉप के नीचे आपके टास्क बार होते हैं जिनके वन साइड पर स्टार बटन होते हैं और अदर साइड और आपके नोटिफिकेशन एरिया होता है जहां पर हम सिस्टम के बारे में और उसके लैंग्वेज के बारे में और लैपटॉप के बैटरी चार्जिंग के बारे में और वॉल्यूम को हम यहां से म्यूट भी कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और यहां डेट और टाइम भी होता है जिससे हम सिस्टम के डेट को मैनेज भी कर सकते हैं। यदि हम इस पर देखेंगे तो ये आपके सामने तमाम ऐसे विकल्प दिखाई दे रहे हैं, आइकन और फोल्डर्स हैं जिससे हम उसके अंदर जाकर हमें जैसे अगर हमें पासवर्ड चालू करना है हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ओरेकल स्टार्ट करना है हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन हम स्टार्ट के अंदर जाकर हम यहाँ पर भी पा सकते हैं। यहाँ पर भी अलग अलग ऑप्शन हमें दिखाई देता है, हम यहाँ से भी वो देख सकते हैं या यहाँ से हम इसको सर्च भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। किसी ऑप्शन को अगर हमें यहाँ ऐड करना हुआ तो हम यहाँ पर इस प्लेस पर ऐड कर सकते हैं, ये क्विक लॉन्च टूल बार का प्लेस होता है, हम यहाँ किसी भी आइटम को ऐड कर सकते हैं और या इस पर राइट क्लिक करके और अनपिन करके किसी आइटम को यहाँ से हटा भी सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करके या अनपिन करके किसी आइटम को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। और यदि हम बात करें ओएस की, तो ओएस कई ऐसे कैसे सॉफ्टवेयर है जो हमें प्रोवाइड करता है कार्य करने के लिए और जो हमें ओएस के साथ मुफ्त मिलता है। कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि जिस पर हम काम भी कर सकते हैं, कई टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होते हैं, डिजाइनिंग के भी होते हैं। अगर टेक्स्ट एडिटर की बात करें तो नोटपैड और वर्डपैड ओएस के साथ एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है जो एज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह कार्य करता है, लेकिन यह ओएस के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोवाइड होता है नोटपैड और वर्डपैड। उसके अलावा कैलकुलेटर, कमांड प्रॉम्प्ट जिसमें हम डॉट से कमांड रन कराते हैं और एमएस पेंट जहां डिजाइनिंग के लिए प्रयोग करते हैं, ये सब ऑप्शन हमें ओएस के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अगर हम उसकी बात करें तो हम यहां पर जाकर और यहां पर हम क्लिक करके नोटपैड वर्डपैड को सर्च भी कर सकते हैं और डायरेक्टली यहां से ओपन भी कर सकते हैं। और यदि हम बात करें नोटपैड वर्डपैड की सर्च करने की, तो यहां सर्च भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट भी ऊपर दिखाई दे रहा है लेकिन कैलकुलेटर दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम यहां पर टाइप कर दें कैलसी, तो कैलकुलेटर के भी ऑप्शन हमें दिखाई देने लगेंगे, CALC। नाउ वी कैन सी द कैलकुलेटर, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। ये सब ओएस के साथ फ्री में होते हैं, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, अर्थात इन्हें हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेज कहाँ पाए जाते हैं, अगर हमें उस पाथ को देखना हो तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि आप पहले स्टार्ट पर क्लिक करिए, देन आफ्टर यू कैन गो आर प्रोग्राम्स एंड हियर यू कैन सी एसेसरीज और नाउ यू कैन सी हियर। यहाँ पर कई आपको पैकेजेस दिखाई दे रहे हैं, सॉरी सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं और इस पैकेज में एसेसरीज नाम के पैकेज में जैसे ब्लूटूथ है, कैलकुलेटर, कमांड प्रॉम्प्ट
अगर हमें अपने लैपटॉप से, जैसे मैंने प्रोजेक्टर कनेक्ट किया है, अगर प्रोजेक्टर कनेक्ट कर रहे हैं उसकी भी विकल्प यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ इनपुट पैनल मैथ का चाहिए, नोटपैड ओपन करना हो, एमएस पेंट ओपन करना हो, ये भी हम पैनल यहाँ से देख सकते हैं। और प्लस स्निपिंग टूल, ये भी एक पैनल होता है, स्निपिंग टूल के द्वारा हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन शॉट काट सकते हैं, किसी एरिया को काट सकते हैं, बहुत अच्छा है। साउंड रिकॉर्ड करना हो तो हम साउंड रिकॉर्डर के भी इसमें ऑप्शन है, अन्य कई ऑप्शन और भी दिखाई दे रहे हैं। ये सभी विकल्प एसेसरीज के अंदर दिखाई देते हैं। और ये आप जानिए कि एसेसरीज के अंदर एक आपने विकल्प देखा है, जो विकल्प आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और एसेसरीज में सिस्टम टूल नामक एक विकल्प होता है। सिस्टम टूल एक ऐसा विकल्प है जिसके अंदर कई अन्य ऑप्शन भी आपको मिलते हैं, जिससे कि हम अपने सिस्टम को फास्टअप बूटअप कर सकते हैं, हमारा सिस्टम तेज काम करेगा, ऐसे सिस्टम टूल ऑप्शन भी दिखाई देते हैं। और एसेसरीज के अंदर हम वंस अगेन हम एसेसरीज विकल्प पर क्लिक करते हैं और यहाँ हम कई ऑप्शन देखेंगे। और इसी में ये देखिए, यहाँ पर आपको सिस्टम टूल ऑप्शन दिखाई देता है, ये भी OS के अंदर एक महत्वपूर्ण ऑप्शन होता है, ये भी OS के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें कई ऑप्शन का अलग अलग प्रयोग किया होता है, जिसमें कि कुछ ऑप्शन के प्रयोग जानना हमें बहुत जरूरी होते हैं। एक कंट्रोल पैनल, फिलहाल इसे हम बाहर से भी ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल के अंदर सिस्टम में जितने भी डिवाइस इंस्टॉल होते हैं, जो भी लैंग्वेज सेट होते हैं, यूजर अकाउंट इंस्टॉल होते हैं, वो सब की क्राइटेरिया कंट्रोल पैनल में ही मौजूद होती है। और कंट्रोल पैनल के बारे में हम डिटेल में आगे के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और इसमें दो चीज मेनली हमने इसे बताने के लिए मैंने इसको खोला, एक डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रेगमेंटर। इसके बारे में हम इस पर कम गौर करते हैं, कम ध्यान देते हैं, लेकिन ये दो ऐसे विकल्प हैं, डिस्क क्लीनअप एंड डिस्क डिफ्रेगमेंटर, कि जिसका हमें अवश्य यूज करना चाहिए। डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रेगमेंटर का अगर हम रेगुलर यूज करते हैं तो ये हमारे सिस्टम को फास्ट करता है और हमारे सिस्टम को फास्ट बूटिंग प्रोवाइड करता है, डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रेगमेंटर अगर हम बात करें तो। और वंस अगेन आर प्रोग्राम पर जाएंगे, एसेसरीज के अंदर हम देखेंगे हमें ये विकल्प दिखाई देता है, नीचे चले जाएंगे तो हमें ये विकल्प दिखेगा, सिस्टम टूल का ऑप्शन ये देखिए दिख रहा है। और इसमें डिस्क क्लीनअप क्या करता है, डिस्क क्लीनअप बेटा वही काम करता है जैसे हमारा कोई कमरा हो और उसकी हम साफ सफाई कर दें, कोई खराब मटेरियल हो कमरे से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में डाल दें, सेम वही काम डिस्क क्लीनअप करता है। डिस्क क्लीनअप हमारे सिस्टम में खराब फोल्डर, करप्ट फोल्डर को सिस्टम से निकाल के बाहर कर देता है, जिससे हमारी वो जगह क्लीन होता है और सिस्टम तेजी से एक्सेस होता है, उसका हार्ड डिस्क तेजी से काम करता है। और डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या करता है, ये भी एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है, इसे करने में थोड़ा समय लगते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटर के द्वारा हम अपने सिस्टम में जो हार्ड डिस्क में फाइलें स्टोर हैं, जो अलग अलग स्कैटर्ड हैं इधर उधर, उन्हें हम एक जगह एकत्रित कर सकते हैं। होता क्या है कि जब भी हम हार्ड डिस्क में फाइल स्टोर करते हैं तो वो फाइल इधर उधर स्कैटर्ड होते हैं और उस स्कैटर्ड फाइल को हम मैनेज करने के लिए हम डिस्क डिफ्रेगमेंटर का यूज करते हैं। इसके द्वारा सारी फाइल एक स्थान पर कलेक्ट हो जाती है और उससे हमारा सिस्टम तेजी से कार्य करता है। अगर हमें आज हम देखेंगे डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रेगमेंटर के बारे में, अगर हमें डिस्क क्लीनअप करना हो तो हम डिस्क क्लीनअप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है कि आपके सिस्टम के किस ड्राइव को डिस्क क्लीनअप करना है। जिस ड्राइव को डिस्क क्लीनअप करना है उस ड्राइव पर आप क्लिक कर देंगे और वो ड्राइव डिस्क क्लीनअप आपकी हो जाएगी, उसे आप डी पर क्लिक करके ओके कर देंगे, डिस्क क्लीनअप का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमें डिस्क डिफ्रेगमेंटर करना है तो हम अगेन उस ऑप्शन को ओपन कर लेंगे, एसेसरीज में जाएंगे, उसके अंदर हम सिस्टम टूल में जाएंगे और उसके अंदर डिस्क डिफ्रेगमेंटर खोलेंगे और इस ऑप्शन में हम देखेंगे यहाँ पर भी सारे ड्राइव दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कभी किया गया होगा फ्रेगमेंटिंग का काम और लेकिन वो रोक दिया गया है, तो दिन मिला ये 10% फ्रेगमेंटेड हुआ है, ये 0% हुआ है, ये 0% हुआ है। अगर हम इसे क्लिक करके फ्रेगमेंट कर देंगे तो फ्रेगमेंटिंग यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे पहले और तब डिफ्रेगमेंट का काम करेंगे आपके।
तो ये चीज भी आप समझ लीजिए, हमें कम से कम कुछ दिन पर, कुछ कुछ दिन गैप पर अगर हम हार्ड डिस्क में ज्यादा फाइलें स्टोर करते हैं तो हमें फ्रेगमेंटिंग का कार्य अवश्य कर लेना चाहिए। और ये दो विकल्प, डिस्क क्लीनअप और डिस्क फ्रेगमेंटिंग, ये दोनों विकल्प हमें एसेसरीज के अंदर, सिस्टम टूल्स के अंदर मिलता है। बहुत सारे विकल्प होते हैं जो एसेसरीज के अंदर पाए जाते हैं, जो कि ओएस के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिनकी कोई भी कॉस्टिंग नहीं होती, और हमें उनके बारे में जानना चाहिए। ऐसे ही विकल्प में आप इसमें और भी देख सकते हैं, जैसे कि कभी कभी मान लीजिए हमारे सिस्टम का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है और हमें कुछ टाइपिंग करना है, तो हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड चालू कर सकते हैं। उसके लिए हम डायरेक्ट स्टार्ट से सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका पाथ जानना हो तो वो पाथ आपको प्रोग्राम के अंदर, एसेसरीज के अंदर, आपको एसेसरीज के अंदर नीचे देखेंगे ईज ऑफ एक्सेस, इसके अंदर आपको दिखाई देगा। ये चीज आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें दो तीन विकल्प हैं जो बहुत ही बेहतर हैं। आपको स्पीच रिकॉग्निशन ऑन करना है ताकि हम कुछ बोलें और उसकी पहचान हो जाए, या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड चालू करना है, या सिस्टम में मैग्नीफायर चालू करना है ताकि हम किसी चीज को जूम करके दिखा सके, तो हम ईज ऑफ एक्सेस का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर अगर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके सामने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खुल के आने वाला है। इस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की मदद से हम, यदि कीबोर्ड हमारा न भी काम कर रहा हो या मौजूद न हो, तो हम माउस का प्रयोग करके इस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को चला सकते हैं और कुछ भी इनपुट, रिटर्न इनपुट हम दे सकते हैं। ये भी आपका ऑप्शन ईज ऑफ एक्सेस में पाया जाता है, जो कि एसेसरीज के अंदर मौजूद होता है। एक बार फिर से आप बात चेक कर सकते हैं, एसेसरीज के अंदर जाइए और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे सिस्टम टूल के पास होता है ईज ऑफ एक्सेस। ये दो विकल्प के बारे में हमने जाना, सिस्टम टूल्स के बारे में और ईज ऑफ एक्सेस के बारे में, कि डिस्क क्लीनअप क्या होता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या होता है, और हम सिस्टम में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैसे चालू कर सकते हैं, या मैग्नीफायर, अगर आपको मैग्नीफायर ऑन करना हो तो हम आप यहाँ जाकर मैग्नीफायर पर क्लिक करेंगे। देखिए आपके सामने मैग्नीफायर आ गया है, प्लस पर क्लिक करेंगे सिस्टम आपके जूम हो जाएंगे, माइनस पर क्लिक करेंगे फिर आपके जूम हट जाएंगे, ये मैग्नीफायर आपके ऑन होंगे। इस तरह से हम अन्य और भी नॉलेज इसमें ले सकते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो पर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।